أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In today's research methods complete course series, I'll be presenting how can I decide what to study. This is lecture number 7 of our series. I myself, Abid Hussain, a research scholar, will present you that what to select in your discipline when you are going to initiate your research in your discipline. So let's start. This is 5-minute video and you will get enough knowledge by viewing and by watching it. I must also suggest you to share it with your near and dear ones. Decision for the new topic in your discipline. First of all, you should think about these 3 points. Your project must be something that can trust you enough to keep you motivated to start researching on it. Keep searching it and finish writing it up if possible. Do research on something you are fascinated by or an issue you are passionate about. पहला काम जो आपने 3 points में से करना है कि आप ऐसे topic को choose करें जिसमें आपकी interest level और आप motivate करें और आपको researching करने में आसानी हो. अगर मुमकिन हो तो ऐसी चीज को research topic के लिए adopt करें जिसके लिए तुम जज्बा रखते हो और आपको जो है ना तवज्जो मबजूल कराना चाहते और या एक ऐसी इशू जिसके बारे में आप मतलब जज्बात रखते हैं कि मैं इसकी गैप को कवर करना चाहता हूँ. यू मस्ट हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया यू आर इंटरेस्टेड इन टू डू समथिंग यूजफुल व्हेन यू इन्वेस्टिगेट इट. थिंक अबाउट व्हाट यू नो अबाउट द वे दैट सोशल साइंटिस्ट एंगेज विद योर टॉपिक एरिया एंड बी विलिंग टू रीड अराउंड योर टॉपिक टू लर्न व्हाट यू डोंट ऑलरेडी नो. आपने दूसरा काम ये करना है कि आप ऐसी एरिया को चूज करें जिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी दिलचस्पी हो और आपके लिए यूजफुल हो कि आप इस पे काम करें और या इस बारे में सोचें कि आपकी फील्ड में जो सोशल साइंटिस्ट है जो ऑलरेडी इस टॉपिक में एंगेज है, आप उसको तलाश करें, उनकी चीज़ें पढ़ लें और जो जो आप इसकी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपकी जो ना इलम में इजाफा होता जाएगा और आपकी फैसिनेशन और आपकी पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं जो ऑलरेडी इसके बारे में नहीं जानता हूँ तो इसके बारे में मुझे जानकारी शुरू हो जाएगी. यू मे बी लकी इनफ टू बी एबल टू एम्बार्क ऑन अ प्रोजेक्ट विच इज एंटायरली योर ओन. अमूमी तौर पर ऐसा कोशिश करें जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप कोशिश करें कि टॉपिक में सिलेक्शन खुद अपनी मर्जी से करूँ जिस पे आपने पहले से लिटरेचर डिग आउट किया है. यू मे बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच योर यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर हैज डिजाइन ऑलरेडी. आप कभी कभार ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके सुपरवाइजर ने कुछ चंक मवाद इस पे कलेक्ट किए हो, वो आपको देना चाहते हैं कि यार इसको आप मजीद एक्सप्लोर करें. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल. यू मे बी एम्प्लॉयड एज ए प्रोफेशनल रिसर्चर ऑन प्रोजेक्ट डिफाइंड बाई समवन एल्स. अगर आप जहाँ कहीं काम कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फार्मासिस्ट हो, मार्केटिंग के काम में लगे हुए या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, आप किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं तो आप अमूमी तौर पर वो टॉपिक चूज करें जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो आपकी डिसिप्लिन ओरिएंटेड हो, साथ ये कि आपका उस पर नो हाउ. व्हाट एवर योर सर्कमस्टांसिस चॉइस रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन. यू नीड टू लाइक योर टॉपिक टू हैव द मोटिवेशन टू सक्सीड. अब आप किसी भी हालात में रह रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, चॉइस जो है ना ये इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होती है. अगर आपकी चॉइस लाजवाब आपकी फील्ड में उसको जो परवान चढ़ाए उस टॉपिक को, उस डिसिप्लिन को, उस रिसर्च गैप को जो किसी ने उसको कवर नहीं किया तो मेरा तो मशवरा ये है कि जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करे आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी प्रोफेशनल से हो और जो आपके सुपरवाइजर आपको सजेस्ट करे उसके बारे में भी सोचे कि क्या मैं करना चाहूँगी. लेकिन 2-3 चीज़ें और भी मैं आपको बताता जाऊँ. अगर आपने डिसीजन लेना है अपने टॉपिक के बारे में अपनी ही डिसिप्लिन में तो आप 3 चीज़ों का मुआवजा करें कि ये ऑलरेडी इस पर किसी ने काम किया है, जो रिसर्च गैप छोड़ी है तो आप उसको कवर करें. दूसरी चीज़ ये कि आप मवाद को तलाश करें, क्या इसके लिए जो मैं मवाद मुझे चाहिए लेबॉरेटरी वर्क्स, लाइब्रेरी बुक्स या ऐसी चीज़ें जो मुझे इसकी रसाई हो उनकी तलाश करें. तीसरी चीज़ आपकी अपनी दिलचस्पी. अगर आपकी दिलचस्पी ना हो किसी भी टॉपिक में तो कोई आप पे थोप नहीं सकते, वो रिसर्च जो ना फिर नाकाम रिसर्च कहलाएगी. मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी.
मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।